तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है काराकाट क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पवन सिंह जी का चुनाव चिन्ह कैंची छाप है और 12 नंबर पे बैलेट नंबर है और चुनाव प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं पवन सिंह जी। और काराकाट क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है पता होना चाहिए आप लोगों को। पवन सिंह जी के विपक्ष पार्टी NDA से उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं और राजा राम कुशवाहा खड़े हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसे में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ये दोनों को हराकर काराकाट से जीत पाएंगे या नहीं? तो जहां तक मुझे पता है दोस्तों, इस बार काराकाट की जनता पवन सिंह जी को सांसद मान ली है और भावी पूर्व काराकाट की जनता पवन सिंह जी को विजयी बना रही है। और काराकाट के जनता लोगों का कहना है, जो भी जीत के गए हैं, जैसे में महाबली सिंह 10 साल रहे हैं सांसद के रूप में और 5 साल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कभी विकास का काम हुआ नहीं है, ऐसा काराकाट के जनता लोगों का कहना है। तो इस बार काराकाट की जनता तय कर ली है और पवन सिंह जी को जीत दिला रही है और 1 तारीख को वोटिंग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी काराकाट से जनता जनार्दन लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज आप लोग 12 नंबर पे कैंची छाप पर बटन दबाकर पवन सिंह जी को विजयी घोषित कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप किसको वोट कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले।